हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग डेली स्पोकन इंग्लिश के तहत कुछ खास सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। यदि आप बिना रटे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कौन से वर्ड्स को कहाँ यूज करना है, यानी कि वर्ड्स के सही यूजेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। तुमने मुझे बताने की भी जहमत नहीं की। तुमने मुझे बताने की भी जहमत नहीं की। तो दोस्तों, यहां पर जहमत का एक तरह से अर्थ हुआ कष्ट उठाना, थोड़ा सा दिक्कत करना। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है? तो यह है सिंपल पास्ट टेंस। और यहां पर नहीं है, यानी कि नेगेटिव है, तो इसमें हम लोग डिडंट यूज करते हैं, यानी कि डिड नॉट प्लस वर्ब वन। और दोस्तों, कष्ट उठाना, इसके लिए आप बोदर यूज करेंगे, बोदर। और दोस्तों, यह एक तरह से तुलनात्मक सेंटेंस है, यहां पर भी के लिए इवन यूज करेंगे। अब दोस्तों, यहां पर लिखेंगे यू डिडंट या फिर डिड नॉट। और दोस्तों, इवन को ज्यादातर मामलों में वर्ब से पहले ही रखा जाता है, यानी कि जब वर्ब यूज होगा तो वर्ब से पहले रखेंगे। यू डिडंट इवन बॉदर। अब दोस्तों, बताने की, यहां पर आप इनफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, इनफॉर्म बेटर रहेगा। तो आप बॉदर के बाद सीधे आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, बॉदर इनफॉर्मिंग। यहां पर मुझे के लिए मी लिख देंगे, यू डिडंट इवन बॉदर इनफॉर्मिंग मी। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं? यह एक तरह से जेरंड है, यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो दोस्तों, आप यहां पर टू का भी यूज कर सकते हैं, टू इनफॉर्म मी। यू डिडंट इवन बॉदर टू इनफॉर्म मी या फिर इनफॉर्मिंग मी। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो आपने दरवाजा बंद करने की भी जहमत नहीं उठाई। तो दोस्तों, यह भी उसी प्रकार का सेंटेंस है, यहां पर लिखेंगे यू डिडंट इवन बॉदर। और यहां पर दरवाजा बंद करने की, क्लोजिंग या फिर शटिंग द डोर, या फिर टू शट द डोर भी आप लिख सकते हैं। यू डिडंट इवन बॉदर टू शट द डोर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, आपने उसकी मदद करने की भी जहमत नहीं उठाई। तो दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में बॉदर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है एक तरह से कष्ट उठाना, परेशान करना भी होता है, जैसे इट बॉदर्स मी, यह मुझे परेशान करता है, यानी कोई भी चीज। या फिर मान लीजिए डोंट बॉदर मी व्हाइल आई एम डूइंग समथिंग। डोंट बॉदर मी व्हाइल आई एम डूइंग समथिंग। और दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस काफी छोटा सा है और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो यहीं कहीं
होगा, यही कहीं होगा। तो दोस्तों आप यहां पर इट से शुरू कर सकते हैं, इट मस्ट बी समवेयर हियर, और थोड़ा सा और दबाव देने के लिए कि यही कहीं होगा तो आप लास्ट में ओनली का भी यूज कर सकते हैं, इट मस्ट बी समवेयर हियर ओनली। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मेरा वक्त ही खराब चल रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आप यहां पर लिख सकते हैं आई एम गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, आई एम गोइंग थ्रू अ बैड टाइम। या फिर मान लीजिए आजकल मेरा वक्त खराब चल रहा है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई एम हैविंग बैड टाइम दिस डेज, आई एम हैविंग बैड टाइम दिस डेज। फ्रेंड्स इन इंग्लिश अ सेंटेंस कैन बी स्पोकन इन डिफरेंट वेज, यानी कि एक सेंटेंस को कई तरह से बोला जा सकता है। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो तुम्हें मेरी बात पर शक है, दोस्तों शक को इंग्लिश में डाउट कहते हैं, और डाउट जो है नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे तुम्हें मुझ पर शक है, यू डाउट मी, तो यहां पर है तुम्हें मेरी बात पर शक है, तो यहां पर लिखेंगे यू डाउट माय वर्ड्स, यू डाउट माय वर्ड्स। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अब ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं नाउ इट इज फाइन, बहुत ही सिंपल है नाउ इट इज फाइन। इट इज को दोस्तों शॉर्ट में हमेशा ही इट्स कहा जाता है, और यहां पर एक कॉमा रहेगा, और इस तरीके का इट्स रहेगा बिना अपोस्ट्रोफी कॉमा वाले, तो आप समझ जाइए इसका मतलब हुआ इसका, और इसका मतलब हुआ इट इज। नाउ इट्स फाइन, आप शॉर्ट में इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूं, दोस्तों यह किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, और दोस्तों कोसना को इंग्लिश में कर्स कहा जाता है, कर्स का मतलब साप देना भी होता है और कोसना भी होता है। मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूं, तो यहां पर लिखेंगे आई एम जस्ट कर्सिंग माय लक, आई एम जस्ट कर्सिंग माय लक। आइए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे जगाना चाहिए था, आपको मुझे जगाना चाहिए था। जगाना को इंग्लिश में वेक अप कहा जाता है, वेक अप, और उठना को गेट अप कहते हैं। जगाना और जागना दोनों का ही वेक अप होता है। अब दोस्तों लास्ट में है चाहिए था, तो इसके लिए हमेशा ही शुड हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज किया जाता है। आपको मुझे जगाना चाहिए था, यहां पर लिखेंगे यू शुड हैव वोकन, वेक का वर्ब थ्री वोकन हो जाएगा मी अप, यू शुड हैव वोकन मी अप। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको झूठ नहीं बोलना
चाहिए था, तो आप क्या लिखेंगे, यू शुड नॉट हैव। और दोस्तों झूठ बोलने का टेल अ लाई होता है, तो यहां पर टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यहां पर भी आपको शुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज करना है, गो से गोन हो जाएगा, काफी इजी है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। मान लीजिए आपको बोलना हो सोच समझकर बात करो, सोच समझकर बात करो, तो इसके लिए लिखेंगे थिंक बिफोर यू टॉक, थिंक बिफोर यू टॉक। और दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो बोलने से पहले दो बार सोच लो, तो आप यहां पर थिंक ट्वाइस का भी यूज कर सकते हैं, थिंक ट्वाइस बिफोर यू टॉक। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। दोस्तों आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बताना का टेल होता है। और दोस्तों पहले का लिखेंगे अर्लियर, और इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। इस टेंस में डिड का यूज करते हैं, व्हाई डिड यू नॉट। और दोस्तों जब डिड का यूज करते हैं तो हमेशा ही वर्ब वन का यूज होता है, टेल और मुझे का लिखेंगे मी, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी अर्लियर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी अर्लियर, या फिर व्हाई डिडंट यू, व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर। स्पोकन में हमेशा ही शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, तो आप डिडंट का भी यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स द नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो मैं किसी का चमचा नहीं हूं, मैं किसी का चमचा नहीं हूं। तो दोस्तों चमचा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टूज, हो सकता है कि आपने पहली बार सुना हो या आप पहले से जानते हो। तो यहां पर लिखेंगे आई एम नो वंस स्टूज, यहां पर अपोस्ट्रोफी कोमा एस का मतलब हुआ का, यानी किसी का नहीं, नो वंस, आई एम नो वंस स्टूज। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो उसे लगा वह मैं था, उसे लगा वह मैं था। तो दोस्तों यहां पर उसे लगा यानी कि ही थॉट वह मैं था, इट वॉज मी। इस तरह के सेंटेंस में इट का यूज होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो आपने ही तो इस कुर्सी को तोड़ा है, आपने ही तो इस कुर्सी को तोड़ा है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इट इज यू हु हैव, यहां पर दोस्तों यू के अनुसार हैव लगाएंगे,
मान लीजिए यहां पर ही रहता, इट इज ही, तो यहां पर हैज का यूज करते, इट इज यू हु हैव ब्रोकन दिस चेयर, इट इज यू हु हैव ब्रोकन दिस चेयर। मान लीजिए आपको बोलना हो आपने ही तो यह किया है, तो यहां पर लिखेंगे इट इज यू हु हैव डन इट। दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, उसने ही तो मुझे पीटा है, तो दोस्तों यहां पर इट इज ही का यूज करेंगे, और जब ही का यूज करेंगे तो यहां पर हैज का यूज करेंगे, और पीटना का बीट होता है तो वर्ब थ्री बीटन यूज करेंगे, यानी कि हैज बीटन मी। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नाउ फ्रेंड्स इट्स टाइम टू टेक द लास्ट एग्जाम्पल एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू। सपोज यू हैव टू से हीरो बनने की कोशिश मत करो, तो आप यहां पर लिखेंगे स्टॉप ट्राइंग। स्टॉप के बाद आप आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी एक तरह से जेरंड का भी यूज होता है, जैसे हंसना बंद करो स्टॉप लाफिंग, पढ़ना बंद करो स्टॉप रीडिंग, बातचीत करना बंद करो स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप ट्राइंग टू बी अ हीरो, स्टॉप ट्राइंग टू बी अ हीरो। और दोस्तों आप लोग सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। एंड लेट मी रिमाइंड यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड डोंट गो एनीवेयर, जस्ट वॉच माई वीडियोज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश।